Hello, 8th class. Today we will solve the questions of exercise 1.1. All the questions one by one. We will take some parts. Now, here we will take question number 1 and first part 3/4. Kya likha hai pe? Represent the following numbers on a number line. You have to represent these numbers, that is 3/4. 7/4, -3/2 and 1/8 on a number line. सभी को अलग अलग number line पे represent करना है. तो first we will take 3/4. So 3/4 means first you will draw a line. Mark some points on equal distance. In the middle is you can take 0 and in the right you will take 1, 2, 3, 4. And in the left, -1, -2 and so on. So since this is positive number, because all the values in numerator and denominator are positive. So here denominator of 4 hai. So jo sabhi blocks hai, aap unko 4 equal parts mein divide karoge, 0 to 1. So here you will divide into 4 parts, divide into 4 parts, divide into 4 parts. Either bhi kar loge, divide into 4 parts. Okay. 3/4, 0 सीधे पॉजिटिव साइड में आए, 0, 1/4, 2/4, 3/4, 1 means 4/4, आगे भी लिख देंगे, 5/4, 6/4 and so on, लेकिन हमें जरूरत कितनी है, 3/4 की, 3/4 means, this is your required number, इसको circle करके, यहाँ पे एक arrow लगा के, show कर देना, this is your required real, now we will take some negative examples, question 1, C part, -3/2, same process, draw a line, mark some points on equal distances, left and right sides, mark them as 1, 2, 3, -1, -2, -3 and so on. And since you have 2 in the denominator of the given number, so you will divide all the blocks into 2 equal parts by putting 1 point middle of them. So this will be 1/2, and this will be 2/2, this will be 3/2, and this will be 4/2, and 5/2, and so on. These are positive, but you have to show negative number, -3/2. So here on the other side you can write -1/2, -2/2, -3/2, and -4/2, -5/2, and so on. Since aapko -3/2 ko show karna hai, to -3/2 ko एक एरो लगाओ और सर्कल कर दो. दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट. नाउ वी विल टेक सेकंड क्वेश्चन. फाइंड बिटवीन विच टू इंटीजर्स द गिवन रेशनल नंबर्स लाई. आल्सो फाइंड देयर एक्चुअल पोजीशन ऑन द नंबर लाइन. यानी कि इसको आपको बताना है कि ये नंबर्स नंबर लाइन पे किन दो नंबर्स के बीच में लाई करते हैं और एक्चुअल पोजिशन भी बताना है, नंबर लाइन को शो भी करके बताना है. तो मैं इसका एक पार्ट बता दे रहा हूँ. क्वेश्चन 2 का बी पार्ट ले लो. क्वेश्चन 2 का बी पार्ट, दैट इज यू हैव टू शो 12/5. तो आप ऐसा करो, इसको डिवाइड कर लो. यहाँ पे देखो 12 5 से डिवाइड करोगे, 5 2 10, यहाँ 2 आ गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 4 20, 0. व्हाट इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. आप इसको जब डिवाइड किया तो 2.4 आ गया. 2.4 मतलब 2 से ज्यादा, 3 से कम. सो दिस नंबर विल बी बिटवीन 2 एंड 3. दिस विल बी बिटवीन 2 एंड 3. दिस नंबर विल बी बिटवीन 2 एंड 3, क्योंकि ये 2.4 2 से बड़ा है एंड 3 से छोटा है. सो दिस विल लाई बिटवीन 2 एंड 3. And you have to also show its actual position, 12/5. तो इसको आप number line पे represent कर सकते हो. Draw a number line, put a sign 0, 1, 2 and 3. तो यहाँ पे आपको 5, denominator 5 है. So you have to divide all the blocks into 5 equal parts. तो यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 mark करोगे तो 5 parts में divide हो जाएगा. यहाँ भी देखो 1, 2, 3, 4. तो ये हो गए. फर्स्ट पार्ट विल बी 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5,
8 by 5, 9 by 5, 10 by 5, 11 by 5, 12 by 5, 13 by 5 एंड सो ऑन। तो 12 बाई 5 है आपको, 12 बाई 5 को शो करना है, तो 12 बाई 5 यहाँ पे मिल गया। तो यू विल सर्कल द 12 बाई 5 एंड मेक एरो, दिस विल बी योर, दिस विल बी पोजिशन ऑफ दिस नंबर दैट इज लाई बिटवीन 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द गिवन रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर, इसमें बताना है कौन सी नंबर बड़ी है। तो मैंने वहाँ पे एक मेथड बताया था आपको एग्जांपल में, दूसरी मेथड नहीं बताया था, वो यहाँ पे बता दे रहा हूँ 3/4 एंड 5/6 में। तो 3/4 और 5/6 में बताना है कि एक तो एलसीएम वाला मेथड था, बिना एलसीएम के भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई का एरो दिखा दो, पहले नीचे से यहाँ शुरू करो, 3 × 6 कितना, 3 × 6 इक्वल 18, 5 × 4 इक्वल 20। तो 3 × 6 ये यहाँ गया 3 की वैल्यू, तो ये 18 आ गया और ये यहाँ पे आया तो 20 आ गया। तो कौन सा बड़ा है, 20 बड़ा है या 18 बड़ा है, 20 बड़ा है। तो 20 बड़ा है, दैट इज़ ये नंबर बड़ी हो जाएगी, दैट इज़ यू विल राइट 3/4, 5/6, ये 20 ऊपर आके इसकी जगह पे हुआ है, तो दिस नंबर विल बी ग्रेटर, सो यू विल पुट दिस साइन। ओके, नाउ वी विल टेक सम अदर एग्जाम्पल, टेक सी पार्ट -3/2 एंड -6/8, सेम प्रोसेस। हियर यू कैन राइट -3 × 8 दैट इज -24, -6 × 2 दैट इज -12। अब ये देखो कौन बड़ा, -12 बड़ा है या -24 बड़ा, -12 बड़ा। तो -12 कैसे आया, 2 जब यहाँ पे आया इसकी जगह पे आया, सो दिस नंबर विल बी ग्रेटर। सो -3/2 -6/8 दिस विल बी ग्रेटर नंबर, सो यू विल पुट दिस साइन। तो ऐसे ही बाकी पार्ट्स भी हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, लुक एट दी क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में कुछ नंबर दी गई हैं एंड यू हैव टू राइट देम इन असेंडिंग ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 4, ए पार्ट 3/6, 4/3, -5/4 एंड -3/2। इस नंबर को हमें, इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, सबसे छोटी नंबर जो है उसको पहले लिखेंगे और ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट तुम्हारा पहला काम है 3, 6, 4 और 2 का एलसीएम लेना है। तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लो 6, 3, 4 एंड 2, 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो एंड 3 से। तो एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स इक्वल, एलसीएम विल बी 2 × 2 × 3 दैट इज 12। तो अभी सभी नंबर्स को के डिनोमिनेटर को हमें 12 बनाना है, एलसीएम के इक्वल बनाना है। सभी नंबर्स के डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल बनाओगे, दैट इज राइट हियर 3/6। अब 6 को 12 बनाओगे, क्या करोगे, 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर और नीचे, सो दिस विल बी 6/12। 4/3 इक्वल, 12 बनाने के लिए क्या करोगे, 4 × 4, 3 × 4, ओके 16/12। -5, 4 को 12 बनाने के लिए क्या करोगे, -5 × 3 एंड 4 × 3, -15/12 एंड लास्ट पार्ट है -3/2। तो 2 को 12 बनाने के लिए 6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट -18/6 × 12। अभी आप देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो रिजल्ट आया हमारा डिनोमिनेटर में क्या है, 6 है, 16 है, -15 एंड -18। तो सिंस यू हैव टू राइट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे छोटी नंबर क्या है, सबसे छोटी नंबर -18, फिर कौन सी नंबर है -15, फिर उससे बड़ी क्या है 6, फिर उससे बड़ी क्या है 16 और सबके नीचे क्या है 12। तो यहाँ पे पुट कर दोगे नीचे 12, तो दीज आर नंबर्स। नाउ जो जिसको मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आया उन नंबर को ओरिजिनल फॉर्म में लिख दो, तो हियर यू विल राइट और 16/12 मीन्स -3/2 और -15/12 मीन्स -5/4 एंड 6/12 इक्वल टू 3/6
and 16 upon 12 is written in place of 4 by 3. So these numbers are in ascending order and this is your required result. So बाकी remaining part आप I hope you can solve easily. फिर से देखो आप ये सारी numbers हैं, पहले 6, 3, 4 इनका LCM ले लो, फिर LCM के equal को ही इसे बनाना है. तो किसी जिस number से multiply करके LCM बन रहा हो उसे multiply करके show कर लो, फिर numerator को ascending order में रखते हुए numbers को आप लिख सकते हो. तो I hope you can solve all remaining parts and this is very similar question, very similar, because here you have to write in ascending order and in next question you have to write in descending order. सारा काम वही करोगे, बस उसमें क्या था छोटे से बड़े में लिखना है और इसमें क्या था बड़े से छोटे में, यानी जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी उसको पहले आप लिखोगे और उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो उससे छोटी है उसको लिखोगे, फिर उससे छोटी है, इस तरीके से लिखते जाओगे. तो इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है. दीज आर इन दीज नंबर्स यू हैव टू राइट इन असेंडिंग ऑर्डर एंड हियर यू हैव टू राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. आई होप यू कैन सॉल्व ऑल दीज पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज. तो आप अपनी नोटबुक में 1.1 सॉल्व कर लेना. ओके, थैंक यू.